भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचलं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवं हरिओं तत्सत हरिओं तत्सत हरिओं तत्सत हरे कृष्णा प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद आप सबसे मिले हैं, नहीं लगता है बहुत दिन के बाद, कब 4-5 महीने के कब कट गया पता ही नहीं चला। ये केवल आध्यात्मिक जगत में होता है, भौतिक जगत में तो ये बहुत दिन लगता है। हरे कृष्ण। तो आज के चर्चा के विषय हैं स्कंद 4:15-16, इसमें उल्टा के दिए हैं 15 इधर है 16 श्लोक संख्या 2 से, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। नालंबयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया वीनांग जातस्य च पौरसानिते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धीर्य नालंबयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया वीनांग जातस्य च पौरसानिते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धीया नालंबयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया वीनांग जातस्य च पौरसानिते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धिया। प्रभु जी लोग नालंबयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया वीनांग जातस्य च पौरसानिते वाचस्पतीनां बभ्रमूर्धिया। माताजी नालंबयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया वीनांग जातस्य च पौरसानिते वाचस्पतीनां बभ्रमूर्धिया। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।
शब्दार्थ इस प्रकार हैं, ना अलम समर्थ नहीं, वयम हम, ते तुम्हारी, महिमा महिमा यस अनुवर्णने वर्णन करने में, यह जो, देव भगवान वर्य सर्वप्रथम अवतार अवतरित माया अंतरंगा शक्ति अथवा अहितु की कृपा से, वेन अंगम राजा वेन के शरीर से, जातस्य उत्पन्न होने वाली, च तथा पौरुषानी महिमामय कार्य, ते तुम्हारा वाचः पति नाम महान वक्ताओं का, अपि यद्यपि बभ्रमु चकरा जाते हैं, धियः मन। अनुवाद बहुत सुंदर है। गायकों ने कहा, हे राजन, आप श्री भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहितु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य, इस श्लोक में माया का अर्थ है आपकी अहितु की कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कह कर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ है, वह है अहितु की कृपा। माया के दो प्रकार हैं, योग माया तथा महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और ये दोनों ही मायाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्म माया से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्णता स्वतंत्र है और वे कहीं और सर्वत्र अंतरंग शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा बेन के मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान के अंतरंगा शक्ति से श्री भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले अनंत भी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। यद्यपि अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो भी ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना। कहा गया है कि श्री भगवान शिव विरंचित नूतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास भगवान की महिमाओं का व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं मिल पाती, तो भला अन्य लोग यह कैसे कर सकते हैं। फलत सूत तथा मगध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में असक्त थे। उत्तम श्लोक द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन
करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान के ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि ऐसा करने का प्रयास करें। ऐसा यह अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं, अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मुह्यं ददाति शोपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पृथु महाराज के अभी प्रसंग चल रहा है। पृथु महाराज आगे के अध्याय में आप सुनेंगे कि पृथु महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना किए थे जब यज्ञ किए थे। महाराज अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। पृथु महाराज एक भगवान के गिनती में भी आते हैं। जब भगवान के अवतार की गिनती आती है तो उसमें पृथु महाराज का भी नाम आता है। लेकिन जब भक्त की काउंटिंग आता है गिनती तो भक्त के कैटेगरी में भी पृथु महाराज आते हैं। भक्त भी है जैसे गिरिराज भक्त भी है और भगवान भी है। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भी आए हैं और भगवान भी हैं। वैसे पृथु महाराज एक भक्त भी हैं बहुत बड़े भक्त और भगवान के अवतार में भी आते हैं। तो पृथु महाराज जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मांगो पृथु मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय पृथु महाराज कुछ इस भौतिक संसार के कुछ ऐसी वस्तु नहीं मांगते, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या मांगे। लेकिन पृथु महाराज उस समय मांगते हैं प्रभु हमको ऐसा शक्ति दीजिए ऐसी शक्ति दीजिए कि ये जो 10 ये कान हैं इस कान से 10,000 कान की शक्ति प्रदान हो जाए इस कान में, और इस कान से आपके भक्तों के जो शुद्ध भक्त हैं उनके कथा सुन पाऊँ। इस कान
मतलब कई लोग ऐसे बताते हैं कि 10,000 कान मांगे भगवान से, 10,000 कान मांगे, इस पूरा शरीर में काने कान हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। किसी के बाल देखते हैं, किसी का यहाँ पर बाल आ जाता है, किसी का यहाँ पर बाल है, तो कैसा गंदा लगता है, क्या भैंसी जैसे दिखता है ना। तो मतलब अगर पूरा शरीर में ही बाल हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो कान ही कान अगर पूरा शरीर में हो गया तो शरीर मतलब नाकाम दिखेगा ना। इंद्रदेव को श्राप मिला था, आँख ही आँख पूरा शरीर में आँख ही आँख था, है ना। तो पिक्चर में आप देखे होंगे आँख, तो कितना मतलब भद्दा लगता है एकदम। तो ऐसे ही कान मांगे, मतलब कान मांगे, मतलब कान के 10,000 कान के शक्ति मांगे कि जो कान से भगवान की कथाओं का और ज़्यादा श्रवण कर पाऊँ। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, न कामये नाथ तदाहं क्वचिन् नयत्र युष्माद् चरणाम्बुजाशाव महामहंतं हृदयात् मुखाय चितो विधस्व कर्णायुत मे समे वरः। कहते हैं प्रभु, हमारी इस संसार में कोई कामना नहीं है, कोई कामना ही नहीं, कोई गाड़ी बंगला कोई भी ऐसा कामना नहीं। आपने जो हमको दिया है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। केवल हमको कान की शक्ति प्रदान कीजिए कि भगवत कथा सुन पाऊँ। हमारे पास एक कान है तभी तो मतलब थोड़े ही देर में उब जाते हैं, मतलब उठ के इधर से उधर इधर से उधर घूमने लग जाते हैं, भागवत कथा में देखे हों, रेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब आपकी शक्ति जब कान में आ जाएगी तो वो रस प्रदान होने लग जाएगी आपके अंदर, और जब रस प्रदान होने लगेगा तो आपको वो अनुभव होगा और उसी रस में डूबे रहेंगे। आप बाहर के रस नहीं खोज पाओगे, उसमें नहीं डूबना चाहोगे। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो आज का जो प्रसंग है, टॉपिक है माया के रहस्य। माया के रहस्य प्रभुपाद जी इसमें पूरा अच्छा तरीके से बताए हैं कि माया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है योग माया, दूसरा होता है महामाया। दोनों एक जैसे ही एनर्जी है, शक्ति दोनों एक ही है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे पुलिस होता है तो पुलिस वो एक ही है, मतलब पुलिस का जो वर्दी है वो एक ही है, लेकिन क्या है, वही पुलिस राजा के साथ भी जाता है, वही पुलिस नेता के साथ सुरक्षा गार्ड बन के रहता है, और वही पुलिस फिर जाके क्या करता है, जो अपराधी है उसको भी पकड़ के लाता है, जेल में डालता है। दोनों काम करते थे, एक रक्षा का भी काम करता है, दूसरा प्रोटेक्शन भी करता है, मतलब प्रोटेक्शन करता है, दूसरा मतलब पकड़ के लाता है, जो मतलब गलती अपराध किया है उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं। तो ऐसे ही माया जो है, महामाया, इस संसार में जो व्यक्ति गलती करता है, जो अपराध करता है, जो जघन्य काम करता है, उसको पकड़ पकड़ के दंडित करते हैं महामाया। और जो योग माया है, ये योग माया भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, भगवान की भक्ति में सहयोग करते हैं योग माया। जैसे एक कथा आती है योग माया कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में थे, तो दंडकारण्य में ऐसे मनुष्य लीला धारण करके ऐसे मतलब व्यवहार कर रहे थे कि शिव जी तो नहीं, पार्वती जी भ्रम में आ गई थी कि मतलब ये ऐसा भी भगवान है। मतलब एक पत्नी के आसक्ति के कारण कितना मतलब इधर उधर एक कामी व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं। तो योग माया था उनके ऊपर, और योग माया है तो भक्त, लेकिन फिर भी उस समय क्या हुआ, योग माया से ढक दिया गया। भगवान भी योग माया के बस में आ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो उस समय ऐसे तो जब शिव जी और पार्वती जी आए वहाँ से त्रिकुट पर्वत से कथा सुन के आ रहे थे, तो देखते हैं भगवान राम से पूरा बिलख रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो पार्वती जी कहते हैं ये भगवान तो नहीं हो सकता। तो शिव जी कहते हैं, वो बोले भी नहीं होते पार्वती जी, और समझ जाते हैं शिव जी कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। तब शिव जी कहते हैं, संदेह मत करो सती। उस समय पार्वती नहीं था, सती थी नाम पार्वती, बाद में जब जन्म लेते हैं
तब होते। तो सती कहती कि अभी इस पर संदेश मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा तुमको, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तब जाके सती विश्वास नहीं आते। स्त्रियों को क्या होता है, कभी कभी इतना मतलब जिद्दीपन पकड़ लेते हैं कि वो कितना भी ऊपर से शास्त्र भी पढ़ ले, अपना पति देव भी बता दे, लेकिन अंदर ही अंदर नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला कुछ पड़ा रहता है उसके अंदर, तो मतलब वो विश्वास नहीं करते। तो पार्वती जी सोच रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, तब शिव जी कहते जाके विश्वास, जाके टेस्ट कर लो, जाके टेस्ट कर लो, तुमको विश्वास नहीं तो जाके टेस्ट कर लो। तब जाके सती जी कहते ठीक है मैं आता हूँ ऐसे घूम घाम के, ऐसा नहीं कहते मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ थोड़ा घूम घाम के उनका दर्शन करके आ जाता हूँ। और दर्शन करने के कह के गए वहाँ पर जाके, और सीता महारानी के रूप बना लिए, और सीता महारानी के रूप में जाके और उनके आगे जब जाते हैं तो भगवान तो योग माया के बस में मतलब रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं तो निकल भी जाते हैं वहाँ से। तो जब भी भगवान राम देखते हैं उनको तो कहते शिव जी कहाँ गए, आप अकेले इस जंगल में, स्त्रियों को तो ऐसा नहीं घूमना चाहिए। तो ये तो आँख पूरा ऐसे जगन्नाथ जी जैसे हो जाता है इनका, क्योंकि मतलब कुछ कहे भी नहीं, डायरेक्ट रूप से बता दिए कि शिव जी कहाँ हैं, आपके पति देव कहाँ हैं, पत्नी को ऐसे जंगल में तो अकेला नहीं घूमना चाहिए अनजान जगह पर। तब कहते हैं कि नहीं ऐसे ही मैं घूमने चला आया बस आपका दर्शन करने, और पूरा लज्जित हो जाते, एकदम लज्जित हो जाते, क्या मुख से निकाले क्या बोले, मतलब कुछ शब्द ही नहीं रहता उनके पास, सती जी के पास। लेकिन वहाँ पे पूरा एकदम प्रणाम करते हैं भगवान राम, और तब जाके कहते वो मतलब लज्जित होके चले जाते हैं। और वहाँ पे साक्षात कुछ देर के बाद में जब पार्वती जी सती जी जब देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान के साथ पूरा दर्शन देते हैं वहाँ पे, तब सती जी को पूर्ण विश्वास हो जाते हैं कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, ये योग माया का चाल है। तो वहाँ से जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी पूरा ध्यान में बैठे रहते हैं, जाके बताते हैं कि मैं अब हो गया दर्शन कर लिया। तो कहते दर्शन करने गई थी मैं, देख रहा था पूरा ध्यान में, शिव जी तो जब ध्यान में, आप कितना आदमी इंसान को धोखा दे सकता है, कोई भगवत भक्त और भगवान को धोखा देना तो मुश्किल है, समझ जाते हैं भगवान की कृपा से। तो शिव जी समझ गए कि ये क्या क्या करके आए हैं, क्या लीला रच के आए हैं, तो समझ गए कि टेस्ट करके आए हैं। तब जाके वही अपराध के कारण बाद में दक्ष प्रजापति के वहाँ पर शरीर त्यागे थे, इसी के कारण वहाँ पे इतना लीला हुआ था। तो ये सब योग माया के कारण था। और महामाया, महामाया जो है, जो अपराध करते हैं इस संसार में, जो भगवत विमुख है उस व्यक्ति को दंडित करते हैं। माया बहुत प्रबल है, प्रभुपाद जी बार बार अपने शिष्यों से कहते थे कि माया से बच के रहो, माया से बच के रहो, कितना भी भक्त फिर भी माया से बच के रहो, माया से। मेरे को एक ही डर है कि मेरे शिष्य मेरे इस माया से सावधान नहीं रहते। एक बड़ी सुंदर भजन है, रक्त मांस के हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती निंद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये रक्त मांस का हड्डी जो पोका बना हुआ है, ऐसा पैकिंग बनाया हुआ है ब्रह्मा जी ने कि मतलब पता है कि रक्त है हड्डी है अंदर, लेकिन फिर भी इस माया का, ये जो महामाया है, इसका ऐसा चाल रहता है ऊपर से कि हो जाती निंद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इतना कठिन है, इतना कठिन है कि बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में भी बताया गया है कि बड़े बड़े वक्ता भी कन्फ्यूज हो जाते हैं,
आपके इस लीला का वर्णन करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस माया के आपने जो माया दी है इसको भी चकर खा जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या है। भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, फिर भी मन में भ्रम रहता है। ये केवल हमारे अंदर ये दृढ़ता भगवान के प्रति प्रेम ना आने के कारण है। लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रखेंगे, ये अगर कंटिन्यू है तो वास्तव में ये सब अपने आप भगवान के प्रेम ये विकसित होता है। लेकिन महामाया क्या करती है, मतलब भौतिक शरीर, मतलब इस शरीर को भी असली बना देते हैं, है ना। आगे बड़ी सुंदर कहते हैं, करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम होता क्रोधित स्वयं तो बानी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कहते हैं पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए भाई, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मुंह में लगाम नहीं रहता है। ये मेरे पर लागू हो रहा है, पता है शास्त्र में पढ़ते हैं, सच में ये माया इतना कठिन है। बड़े अरे हम तो एक तुच्छ जीव है, अभी अभी शुरू किया हूं भक्ति, तो हमारे ऊपर तो ये तो लागू होगा ही होगा। मतलब बड़े बड़े यहाँ पे वक्ताओं की बात कर रहे हैं, ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि को भागवत नहीं पता है क्या, भगवत गीता नहीं पता है, क्रोध क्यों करते? बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोधित करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवी देवता तक भ्रमित हो जाते हैं, तो हम जैसे जीव आत्मा तुच्छ बद्ध आत्मा कैसे हो सकते हैं इससे उद्धार। जैसे इस शरीर में आपको देखते हैं तो कहते हैं ये नाक कितना सुंदर है, पूरा लंबा नाक, लेकिन इसमें से अभी सुंदर दिख रहा है, जब दो निकलता है इसमें से तो कहते कितना गंदा। अच्छा मतलब वही नाक सुंदर नाक वही कितना गंदा दिखने लग जाता है। अखिया बड़ी चंचल है और अखिया को देखते हैं तो कहते हैं अखिया कितना सुंदर है, और आंख में जब एक कीचड़ आ जाता है उजर उजर यहाँ पर दोनों बगल में तक अच्छी मुख घुमा के इसे देख, मतलब कहते पोंछ लीजिए थोड़ा, जो जो कहेगा आपको सुंदर है वही कहेंगे थोड़ा पोंछ लीजिए जाके साइड में, मतलब इतना गंद, देखने में कितना अच्छा है लेकिन हर चीज से विकार निकलता है, हर चीज से विकार निकलता है। तो ये माया का पैकेजिंग इतना अच्छा से किया हुआ है, जानते हुए भी क्या कहते हैं, देखते हुए भी अनदेखा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, है ना। योग माया का ऐसा प्रभाव है। जैसे एक बार नारद मुनि ये विष्णु पुराण की कथा है, विष्णु पुराण में आती है। नारद मुनि एक बार चारों तरफ से भ्रमण करके और भगवान विष्णु से मिले कि प्रभु आपके माया के बारे में तो मैं बहुत सुनता रहता हूँ, थोड़ा दर्शन कराइए माया का, कैसा है आपकी माया कैसा है। तो भगवान कहते हैं अरे नारद ये बात छोड़ो, दूसरा बात करो, थोड़ा भगवत चर्चा करो, क्या है पृथ्वी का हाल है, क्या है जनताओं की बात करो। तो कहते नहीं नहीं मतलब ये माया चीज क्या है, थोड़ा माया की बातें इसके बारे में बताइए। तो कहते नहीं थोड़ा इस बात को टालो नारद, तुम बहुत पछताओगे। तो कहते नहीं बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, मैं पूरा रेडी हूँ कि कैसा है माया, मैं पूरा रेडी हूँ एकदम से। तो कहते ठीक है चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 देखते हैं तो रेगिस्तान, बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है आगे। रेगिस्तान में जब जाते हैं तो नारद मुनि कहते हैं इस रेगिस्तान में माया है प्रभु, यहाँ पे माया कैसे मिलेगा, मैं आपको बोला कि माया का दर्शन कराइए तो ये रेगिस्तान में कहाँ ले आए। तो कहते ठीक है और आगे चलो, थोड़ा थोड़ा आगे जाते तो प्रभु कहते हैं कि थोड़ा प्यास लग गया नारद, पानी पिलाओगे? तो कहते हैं हाँ पानी आपको अमृत ले आके पिला सकता हूँ, ये पानी क्या चीज़ है, पानी अभी लाता हूँ अभी। जाके नारद मुनि जाते हैं पानी लाने, वहाँ पे एक झोपड़ी रहता है और एक कुआँ रहते हैं। तो पहले के ज़माने कुआँ से पानी लेने के पूछते थे, तो श्री प्रभुपाद की जय। तो उस
कुआं के पानी लेने के लिए जब उस घर में गए, प्रवेश किए पूछने के लिए कि पानी यहाँ के ले सकता हूँ क्या, तो वहाँ से एक बहुत सुंदर स्त्री निकली और वो कहती है, आपको तो मैंने फोटो में देखा था बीना बजाते हुए, आप वही नारद जी हैं क्या? आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, हाँ वही नारद। ओहो मेरा सौभाग्य, आप नारद, मैं तो आपको केवल टीवी चैनल में ही देखता था और फोटो में ही देखता था, आप यहाँ मेरे घर, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप मेरे घर पधारे। ओहो नारद जी आइए आइए आइए। नारद जी पूरा फूल के ढेमना हो जाते हैं एकदम से, कहते आहा मेरा प्रचार भी हुआ है, हमको लगता था कोई नहीं जानता इस राजस्थान के, मतलब ये पूरा मरुभूमि में कौन जानता होगा ना, यहाँ पर नेटवर्किंग है कुछ भी नहीं, लेकिन टीवी चैनल कहाँ से देख लिया, अब कहीं से देखे होंगे, जो है प्रचार हुआ है मेरा। तो पूरा एकदम से जाके बैठते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं पानी देते हैं। नारद जी भूल जाते कि मैं पानी लेने आया हूँ इधर, और वहाँ पे पूरा आराम से तो कहते हैं कि क्या सेवा करूँ, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी कहते हैं उनको कि कुछ चाहिए, तो कहते हैं बस एक ही चीज़ चाहिए, लेकिन आप देंगे कि नहीं थोड़ा डाउट लग रहा है। तो कहते क्या बताइए आप, मैं भगवान के सर्वोच्च भक्त हूँ, आपको पता नहीं? नारद जी जो बिना बजा के हर समय गाते रहते हैं, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, मांगिए मांगिए। तो कहते हैं आपसे विवाह करना है। अब परा चक्कर, कहते हैं विवाह करना है, ब्रह्मचारी आदमी कहाँ से विवाह करे। कहते फिर भी उस समय माया का ऐसा प्रभाव था, ये माया बड़ी बहुत कठिन है राम, मतलब इतना कठिन है कि नारद जी तक वहाँ पर भूल गए। और वहाँ पे कहते ठीक है तुम मेरा फैन हो तो थोड़ा तो इच्छा पूरा कर ही सकता हूँ। तो वहाँ से विवाह होता है, बच्चा होता है, पोता होता है, पोता का पोता होता है, कई जनरेशन निकल जाता है वहाँ पर। माया का प्रभाव देखिए, इतना जेनरेशन निकल जाता है वहाँ पे नारद जी। और कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा बाढ़ आता है, बहुत बड़ा बाढ़, और मतलब नारद जी उसमें मेरा पोता मेरा बेटा, अरे ए टिंकू इधर आओ, ए पिंटू इधर आओ, किधर गए, अरे सब डूबने लग रहा है, पूरा घर उर सब डूब रहा है, क्या होगा, बाप रे, पूरा माथा पीट रहे हैं नारद जी वहाँ पर। देखिए उतना ही अभी भगवान वहाँ पर वेट ही कर रहे हैं पानी के लिए, और इधर से नारद मुनि चिल्लाते चिल्लाते पानी के पूरा उसमें पौड़ी खेल रहे हैं, पौड़ी खेलते खेलते जाके और कहाँ से न कहाँ से एक का एक पटक देते हैं वृक्ष के नीचे नारद जी को। नारद जी वृक्ष के नीचे जाते हैं तो देखते हैं भगवान ऐसे सिर उठाते तो देखते हैं स्वयं भगवान, कहते नारद अभी तक प्यास लगा हुआ है, तू पानी नहीं लाया अभी तक, इतना जोर से प्यास लगा है। तो कहते क्या देख रहा हूँ मैं, कहाँ मेरा बेटा पोता मेरा सब कहाँ कहाँ चला गया। तो कहते यही था माया का दर्शन। भगवान कहते माया का दर्शन से प्रभु कान पकड़ता हूँ, कभी भी माया का दर्शन अब मत कराइए, हमको पता नहीं था ये माया का ऐसा जाल होता है। आश्चर्य की बात ये है कि हम लोग जान सुन के भी पता है ये माया का चंगुल है, इस माया के संसार में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता ऐसे। हाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो के चलना चाहिए। बड़ी सुंदर दोहा आती है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर। कहते हैं ये माया नहीं मरा, तृष्णा नहीं मरा, मरी मरी गया शरीर, बार बार शरीर मरा फिर जन्म लिया, मरा फिर जन्म लिया, फिर मरा फिर जन्म लिया, 84 लाख योनि में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कितना हुआ, लेकिन ये आस्था और तृष्णा ना मुई, ये आस्था जो है और ये तृष्णा जो है भोगने की इच्छा, ये ना मुई, ऐसे कहते हैं कबीर। तो ये जो आशा तृष्णा ये बार बार जब तक हमारी इच्छा को नहीं मारेंगे तब तक इस संसार में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा।
जब तक आपकी इच्छा, ये जो क्या कहते हैं, जब हमारा हृदय पत्थर के जैसा होता है ना, तो मतलब उसमें केवल भौतिक इच्छा रहता है। जब माखन जैसा कोमल होता है आपका हृदय, तो उसमें केवल आध्यात्मिक इच्छा होता है। कोमल मतलब एकदम आध्यात्मिक जब रहता है तो विनम्र, जैसे यहाँ पे पृथ्वी महाराज का गुणगान कर रहे हैं गायक लोग, लेकिन पृथ्वी महाराज उसको स्वीकार नहीं किए कि मेरे अंदर गुण आया ही नहीं कुछ, तू हमारा गुणगान क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी गायक लोग जितने भी वहाँ पे गंधर्व लोग थे, ब्रह्मा जी तक देख रहे हैं कि भगवान का सिमटे में केवल भगवान ही है, उनके चिन्ह से पता चल रहा है भगवान है। पृथ्वी महाराज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गायक लोग जब उनकी विनम्रता देखते हैं पृथ्वी महाराज के, कि अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इतना कहने पर भी भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा गुणगान मत करो, ये भगवान के लिए है केवल, लेकिन फिर भी कहते नहीं, आप इतने महान हैं, इतने महान हैं कि आपका गुणगान तो बड़े बड़े वक्ताओं के लिए भी असंभव है, मैं जैसे व्यक्ति कैसे आपका गुणगान कर सकता हूँ अच्छा से। तो ये होता है आध्यात्मिक हृदय। जब पत्थर वाला हृदय होता है भौतिक, पत्थर पांच आदमी का शास्त्र में बताया गया है, पांच आदमी का हृदय पत्थर जैसा होता है। किसका? पहला जो नास्तिक होता है उसका हृदय पत्थर के समान होता है, दूसरा जो मायावादी होता है उसका हृदय भी पत्थर के समान होता है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करके भी अनदेखा करता है, वो कहते नहीं निराकार है, हर जगह पे है, तो इसीलिए उसका हृदय पत्थर के समान, कभी भी भगवान के प्रति अनुराग नहीं आता उसको, दूसरा मायावादी, तीसरा वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, चौथा जो भक्ति का ढोंग करता है, पांचवा जो देवी देवताओं की पूजा करता है। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि बाप रे बाप, देवी देवता की पूजा करने वाला भी हृदय पत्थर के समान होता है, ये तो इस्कॉन वाला बहुत भ्रम फैला रहा है, यही करेंगे कहेंगे ना। लेकिन क्या होता है, आप शास्त्र में देखो, जितने भी देवी देवता के पास गए हैं ऐसे हैं कि वास्तव में इंटेंशन क्या है आपकी, वो उस पर भी भर पड़ता है। जैसे गोपियाँ यशोदा मैया, नंद बाबा देवी देवता की भी पूजा करते थे, लेकिन उनके इंटेंशन क्या था, उनका एक मति मात्र था कि कृष्ण के लिए करते थे। लेकिन आप शास्त्र में देखो, हिरण्यकश्यपु, रावण, भौमासुर, नरकासुर, सब बड़े बड़े असुर जितने भी देवी देवता का पूजा करने गए, वो भौतिक आकांक्षा लेके गए हैं ना, और उसका एकमात्र इच्छा क्या होता है कि इस संसार पर राज कैसे करूं, दूसरों को परास्त कैसे करूं। तो जो भौतिक इच्छा लेके जाते तो वो तो देवी देवता के पास ही जाते हैं, क्योंकि देवी देवता ही भौतिक इच्छा ज़्यादातर पूरा करते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई भोग वांछा, अगर कुछ इच्छा भी है, नहीं मांगना चाहिए भगवान से भौतिक कोई इच्छा, कोई चीज़ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बहुत प्रबल इच्छा है तो फिर भी भगवान के पास आइए, देवी देवता के पास मत जाइए। हाँ, ये कहने का अर्थ ये नहीं कि मैं देवी देवता का तिरस्कार कर रहा हूँ, उनका आदर करिए, उनका पूजा करिए, लेकिन भगवान की भक्ति मांगिए। जैसे हम परिवार में रहते हैं तो पति देव से जो संबंध है, उस पति देव का संबंध सबसे संबंध नहीं रख सकते, जो पिता एक ही है, सबको बाप बाप नहीं कह सकते, पिता नहीं कह सकते, पिता एक ही है, लेकिन चाचा, नाना, काका, बाबा, आंटी, आंटा, सब सबको मतलब आदर करते हैं ना, सबको आदर करने, भाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको आदर करते हैं, ऐसा थोड़ी लात मार के निकालते हैं सबको, केवल पिताजी को आदर करते हैं, नहीं, आदर सबको करते हैं, लेकिन पिताजी को केवल पिताजी। जैसे स्त्री के लिए एक पति है तो पति का ही संबंध है, दूसरा से सबको आदर करते, खिलाती हैं, पिलाती हैं, सबको रखती है, लेकिन जो संबंध पति से वो नहीं। उसी तरह हम जो संबंध भगवान से रखें, भगवान कृष्ण से, प्रभु श्री राम से, तो ये जो भी विष्णु तत्व हैं उनसे रखिए तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम देवताओं के पास जाते, देवताओं को मतलब कोई कार्य में लगाया गया है, ऐसा नहीं कि केवल ये भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए,
अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपका समझ लीजिए हृदय कठोर रहेगा, हृदय पत्थर जैसा रहेगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि पत्थर बनाना है हृदय को कि कोमल बनाना है, भगवान की भक्ति रखना है हृदय में। अगर भक्ति रखना है तो भक्ति ही भगवान के ही पूजा करना पड़ेगा। माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरे शरण में आता है वही माया को तर सकता है, माया को पार पा सकता है और कहीं भी पार नहीं पा सकता। इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं, समय समाप्त हो गया। योग मायाले कसरी काम गर्छ? कुन भावले भगवानले प्राप्त गर्छ? प्रभु जी कह रहे नारद जी को भी कैसे कौन भाव से उनको भ्रमित कर दिए। ऐसा है नारद अपने भक्तों के ही लीला से, जैसे भगवान के जब लीला करना होता है, कुछ सिखाना होता है, तो ऐसा थोड़ी आप में से हम लोगों में से किसी को बुला के वो लीला करे, वो अपने ही पार्षद को यूज करते हैं। तो हम लोगों को सिखाने के लिए कि माया कितना प्रबल है, ऐसे नारद जी जैसे भक्त तो वास्तव में दिन रात जो 24 घंटा भगवान के भक्ति में लीन है, वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन भगवान अपने ही भक्तों के साथ लीला करके ऐसे बद्ध जीव को सिखाते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े व्यक्ति भी अगर भ्रमित हो जाएं तो ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। लेकिन कितना भी कुछ भी हो जाए, भगवान के चरण में दृढ़ विश्वास वो रखना चाहिए कि कहीं भी भ्रमित हो जाए फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आप संकल्प लेते हैं ना जब कुछ करने के लिए, तो भगवान उसमें बाधा डालने आते हैं। कि क्यों बाधा डालने आते हैं? क्योंकि उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जैसे आप 10 क्लास पढ़ रहे हो तो उसका एग्ज़ाम आता है कई, आजकल तो कई एग्ज़ाम आता है, 3-4 बार एग्ज़ाम आ जाता है मतलब साल में। तो उसका एग्ज़ाम क्यों आता है? और ज़्यादा से याद करे, और ज़्यादा से उस पर दृढ़ हो। वो फेल कराने के लिए नहीं एग्ज़ाम आता है, है ना? प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। महामाया और योग माया, हाँ। कभी कभी आप, हाँ मैं समझ गया कि महामाया और योग माया एक ही है, तो सती जी तो माया है मतलब, तो वो अपने आप कैसे भ्रमित हो गई। कभी कभी पुलिस को देखते हैं ना, जब वो मतलब गलती करते हैं तो स्वयं को मतलब दंड देते हैं, दंडित करते हैं ना। कभी कभी आप फिल्म में देखे होंगे, अपने ही घर में कभी कभी अपराध करता है कोई मतलब, तो अपने ही घर में पकड़ के जेल में डालते हैं, है ना? या स्वयं कभी अपराध किया तो उसको तो पता है नियम सब कुछ। तो ऐसा है, हमको तो यही लगता है अब जितना मैं समझता हूँ कि वास्तव में सिखाने के लिए ही करते हैं ये सब, क्योंकि उनको पता है माया, वास्तव में माया कितना प्रबल है। तो कितना प्रबल है, स्वयं नकल कर, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन भक्ति कैसे करना चाहिए वो स्वयं सिखाए ना। भगवान तो स्वयं है लेकिन भक्ति कैसे की करना चाहिए वो स्वयं सिखाए। वैसे जो महामाया है वो माया तो स्वयं ही है सती जी, लेकिन फिर भी वास्तव में कैसे चंगुल में आ जाते हैं ये खुद अपनी लीला के द्वारा सिखाए जैसे लगता है। इससे अच्छा सस्नाम प्रभु जी दे सकते हैं कुछ उत्तर। हरे कृष्ण। जो क्या कहते हैं, योग माया जो है, योग माया ये अंतरंग शक्ति है, और जो महामाया है बहिरंग शक्ति है, समझ गए?
बहिरंग शक्ति महामाया है, अंतरंग शक्ति योग माया। हरे कृष्णा। समय समाप्ति हो गया, जप करने का टाइम हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की नित। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।